तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट बैटिंग शॉट सिलेक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी लेंथ की बॉल के लिए कौन सा शॉट जो है सेलेक्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लॉक्स के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा शॉट जो है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहला जो ब्लॉक है वह है ब्राउन ब्लॉक, यानी कि अगर आपको फुल लेंथ एरिया में अगर बॉल ब्राउन ब्लॉक के आसपास मिलती है तो आप उस पर ऑफ ड्राइव शॉट जो है वो खेल सकते हैं, जिसमें कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव आदि शॉट आते हैं। फुल लेंथ एरिया का अगला जो ब्लॉक है वह है रेड ब्लॉक। अगर आपको रेड ब्लॉक में कोई भी बॉल मिलती है तो आप उसे स्ट्रेट ड्राइव आसानी से खेल सकते हैं। अगला जो ब्लॉक है वह है ब्लू ब्लॉक। अगर आपको ब्लू ब्लॉक में कोई भी बॉल मिलती है तो आप उसे ऑन ड्राइव आसानी से खेल सकते हैं। अगली जो लेंथ है वह है गुड लेंथ। अगर आपको गुड लेंथ में पर्पल कलर के ब्लॉक में कोई भी बॉल मिलती है तो आप उसे लीव कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रीन ब्लॉक। ग्रीन ब्लॉक की जो बॉल है वो होती है फॉरवर्ड डिफेंस की। गुड लेंथ एरिया में जो ब्लैक कलर का ब्लैंक दिखाई दे रहा है यह बैक फुट डिफेंस का है। गुड लेंथ एरिया की अगली जो लेंथ है वह है येल्लो ब्लॉक। येल्लो ब्लॉक के अंदर अगर आपको बॉल मिलती है तो आप उसे स्वीप कर सकते हैं और मीडियम पेसर पे आप उसे फ्लिक शॉट खेल सकते हैं। अगली जो लेंथ है वो है शॉट ऑफ गुड लेंथ। इस पर अगर आपको कोई भी बॉल मिलती है तो आप उसे बैक फुट पंच कर सकते हैं, यानी कि आप उसको फोर्सिंग जो शॉट है वो खेल सकते हैं। अगली जो लेंथ है वह है शॉर्ट लेंथ। शॉर्ट लेंथ पर अगर आपको डार्क पर्पल कलर के ब्लॉक में कोई बॉल मिलती है तो आप उसे स्क्वेयर कट खेल सकते हैं, और आपको ग्रे कलर के ब्लॉक में कोई भी बॉल मिलती है तो आप उसको पुल कर सकते हैं, और लाइट रेड एरिया की जो बॉल है आप उसको हुक कर सकते हैं।